तो ये देखिए, ये लगे अपना सेटअप। अब यहाँ पे करेंगे हम कुकिंग नीचे बैठ के धूप में आराम से। और यहाँ पे दे दी थी मैंने शाम को डॉगी को जो भिंडी बची थी हमारी और थोड़े से चावल। तो ये जी लग पड़ी कुकू आटा गूंदने। तो ये निकल चुका है आटा और आटा गूंदते हैं और फिर मसाला वगैरह रेडी करते हैं। और मैं एक पानी ले आता हूँ, यहाँ जो है उधर उस होटल के पास एक सेट सा बना हुआ है, वहाँ पर पानी है। बाकी आपको फिर से मैं बता दूँ, पिछली वीडियो में वैसे आपको पता ही होगा हम कहाँ पर कैंप कर रहे हैं। तो ये लोकेशन है पत्नी टॉप में, पत्नी टॉप का जो ये एरिया है फॉरेस्ट एरिया, इससे थोड़ा सा आगे आकर और यहाँ पर एक जो होटल है, ये देखिए होटल फॉरेस्ट व्यू, यहाँ इसके पास ही ऊपर यहाँ पर ग्राउंड है एक दो, यहीं पर हमने जो है अपना कैंप लगाया था। और अभी यहाँ पर बन रहा है हमारा ब्रेकफास्ट, धूप के मज़े ले रहे हैं क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो धूप में बनाएंगे आराम से खाएंगे। और अब जो है ज़्यादा आगे भागना नहीं है, अब यहीं पर बनाएंगे खाएंगे और उधर जाएंगे नत्था टॉप देखते हैं, फिर सनासर लेक देखते हैं, मतलब एक दो दिन घूमेंगे इधर आराम से और आपको भी दिखाएंगे। और अभी जो है उस जंगल में भी जाएंगे क्योंकि वहाँ पर जो है ना घूमने के बहुत सारे प्लेस हैं, वो भी आपको दिखाएंगे कि पत्नी टॉप में घूमने के लिए कौन कौन सी जगह हैं, क्या क्या है। क्या सोच रही है उस वहाँ जाने से बाद फिर हम यहीं आएंगे कैंपिंग करने शाम को या वहीं करेंगे, वहाँ भी जगह है। तो चलो मैं पानी लेकर के आता हूँ, तब तक ये आटा गूंदेगी। चलो भाई अपना ब्रश भी करते हैं और इधर जो है मूली भी हो गई क्रश। ये भाई कैंपिंग लाइफ मज़ेदार भी, इतना काम तो हम घर में भी करते हैं लेकिन, है ना। अब हम आ चुके हैं किचन में, हम बनाएंगे अब, आप जाओ आप बातें पिटेगी तो मेरे हाथों से बातें हैं, और तो आपको कुछ आता नहीं है उल्टी बात करती है जब देखो नहीं है का? अरे वाह क्या नज़ारे हैं। चलो भाई एप्पल खा लिया, तो आटा कैसा आटा दो फिर से, अरे यार इधरे वाला। तो ये लो जी कुक्कू बेल रही है परांठे और मैं सेकूंगा इधर, और तवा लेना हम फिर भूल गए हैं तो कढ़ाई में ही बनाते हैं अभी। तो ये भी नॉन स्टिकी है, अच्छी है, तो ले लेंगे रास्ते में, मिलेगा तो लेना ही पड़ेगा अब। बाकी चलो बाकी सेब चल रहे लो भाई। तवा सही बात है, तवा तो एक तवा हो ना वैसे ठीक रहता है। हाँ तवा जरूरी है, तवा रखेंगे अब तब मज़ा आएगा। बेल दिया तूने, चलो तो हमारा भी हो गया ऑन, चूल्हा रखो। ये देखो जी एक परांठा हो गया रेडी जो कि बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, बाकी पता नहीं कैसा होगा। और दूसरा रख दिया है, और क्या, और तो कुछ नहीं है, हमारा कुक है ख़तरनाक कुक है भाई, बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है परांठे से, मन कर रहा है अभी यहीं से खाना शुरू कर दें हाँ जी कितना तेल लगेगा जी। तो देखिए दोस्तों मैं कितना ख़तरनाक कुक हूँ, देखिए क्या स्पीड से मैं परांठे बना रहा हूँ यहाँ पर, है ना। हाँ। क्या कुछ ज़्यादा ही स्पीड है। तो भाई खाए कभी कैंपिंग में ऐसे परांठे, इतने मस्त टेस्टी। तो यार हवा चली हुई है बहुत ज़्यादा, तो ये लगा दिए सपोर्ट, उधर से आ रही हवा नीचे की तरफ से और पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रही, समझ नहीं आ रही है, लेकिन चलो सही है। वैसे हमारे पास और भी यंत्र है हवा रोकने के, लेकिन अभी उतनी ज़्यादा हवा भी नहीं है, उसको अंदर ही रखा है हमने। तो परांठे बन चुके हैं, अब चाय रख दी है, डालते हैं चाय पत्ती और चीनी और करते हैं भाई अपना ब्रेकफास्ट शुरू। ये लो जी एकदम हैंडी सामान अपने पूरे साथ में रहते हैं भाई। ये लो जी चाय भी रेडी। तो ये दूध के पैक ले आए थे हम 90 डेज वाले। तो भाई परांठा तो बना बहुत टेस्टी, चलो करते हैं ब्रेकफास्ट फिर मिलते हैं अब आपसे। तो भाई ब्रेकफास्ट तो हमारा हो गया जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, मज़ा आ गया। और ये देखो भाई इधर अब होगी सफाई, तो मैं धीरे धीरे पैकिंग करता हूँ और इधर बर्तन धुलेंगे। मैं धोऊँ बर्तन? नहीं। अच्छा ठंडा ना लगे तेरे को? अरे वाह चलो भाई करो सेटिंग। चलो भाई हो गया काम,
बर्तन धुल गए, थोड़ा सूख जाए तो इनको भी करते हैं पैक अप फटाफट। जितना मज़ा खाने का आता है उतना ही मज़ा अब काम करने का भी आता है। तो अब फटाफट पैकिंग करेंगे और गाड़ी हम यहीं छोड़ेंगे और यहाँ से निकलेंगे पैदल, आगे पूरा एरिया घूम के आएंगे, फिर दिन को देखते हैं लंच का क्या करेंगे, या तो खा लेंगे कुछ ना कुछ उधर भी खा लेंगे और फिर यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट जो है निकलेंगे आगे के लिए। तो जी हम हो चुके हैं रेडी और अब जाएंगे हम ऊपर पार्क में और चलिए चलते हैं आपको भी घुमाते हैं। तो गाड़ी है रेडी, बिल्कुल सेट हो चुकी है, सारे सामान कर दिए पैक और यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है तो गाड़ी के ऊपर धूल ही धूल है। और एक नमूना यहाँ देखो क्या फुल गड़ी बन के घूम रही है। शीशा कौन साफ करेगा, साफ करो, कुछ नहीं करती है, बस खड़े हो गए ही ऐसे लटके झटके मारे जा रही है बस। ड्राइवर का क्या काम होता है। अच्छा तो वही हमने सारा कचरा वगैरह अपना उठा लिया है तो निकलते हैं अब यहाँ से, ये रहा रोड सीधा। तो चलो आगे कहीं छाँव में गाड़ी पार्क करते हैं फिर घुमाते हैं आपको एरिया कैसा कैसा है पत्नी टॉप। और यहाँ पर एक नीचे मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर था एक, तो वहाँ पर गए थे हम रात को लेकिन वीडियो वगैरह नहीं बना पाए तो अब जो है पीछे जा रहे हैं। चलो भाई जय माता दी, जय भोले शंकर, चल दिए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। बस यहाँ से शायद आधा किलोमीटर एक किलोमीटर आगे जाएंगे, वहाँ गाड़ी पार्क करेंगे फिर जो है घूमेंगे इधर। ये देखिए जी रात को हम यहाँ से आए थे नीचे को और अब जा रहे हैं ऊपर, जंगल के बीचों बीच है रास्ता और यहाँ पर जो है ना ये घुड़सवारी होती होगी शायद, ये सभी लोग आगे जा रहे हैं अपने घोड़े लेकर के, तो आगे फिर ये जो है मतलब घोड़ा चलता होगा, कहाँ पे चलेगा ये तो हमें आगे जाके ही पता चलेगा। बाकी ये कुछ व्यू है यहाँ से जंगल से बीचों बीच, जैसा हमारा खजियार है बिल्कुल वैसा ही लगा। हाँ, वैसी हीलिंग है। तो जी हम लोग पहुँच चुके हैं पार्क में और कुक्कू जो है ना इसको फोटो खींचो इसके लिए, देखो इसका मुंह उतरा हुआ है अभी। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर नीचे गाड़ी लगाई हमने, ये देखो ऑरेंज कलर की गाड़ी, एक वाइट कलर की गाड़ी रोड साइड में ही, तो मतलब लगा सकते हैं इधर, बस दुकान के सामने ना लगे तो हमने दूसरी तरफ लगाई है। कहाँ था तेरे पास चश्मा, कब था? अच्छा ज्यादा जचता था। खूबसूरती से जलते है, कहाँ है खूबसूरती बताना जरा, कमेंट करके बताना कहाँ। हाँ खूबसूरती तो है, जगह बहुत सुंदर है, ये तो सही कहा। भाई पेट में मार दिया मुक्का, भाई सच में खूबसूरती तो बहुत है, देखो पेड़ ही पेड़ है और इधर उधर बहुत खूबसूरतियाँ घूम रही है, है ना भाई, खूबसूरतियाँ बहुत घूम रही है इधर उधर। हाँ किसी के जलने की खुशबू आई, खुशबू नहीं बदबू। पत्नी टॉप तो वैसे एक बात है, खूबसूरती तो है, ऐसी बात नहीं। हाँ हाँ है ना। अच्छा हाँ, बहुत है, तरह तरह की है, तरह तरह की है। ये कॉटेजेस बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो जी आने वाली जगह है, घूमने लायक जगह है ना। हाँ, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, है तो। और यहाँ पे अभी तो एक ही पार्क है और बहुत पार्क है अभी यहाँ। तू क्या बोलना चाह रही थी? हाँ जिप लाइन थी, वो कहाँ गई? अरे ये तो है। अच्छा वो है बंदे ऊपर। हाँ। चले अच्छा। खाली बैठे हैं बेचारे, क्या पता डिस्काउंट दे दे। अंदर क्या है? एप्पल गार्डन, वो बोर्ड पे लिखे हुआ है एप्पल गार्डन। अच्छा अच्छा ये लिखे हैं पॉइंट। अच्छा कितने पैसे लेते हैं? 550 एक आदमी का। बिना गाड़ी के पड़ी है, देखो कितने घोड़े की लाइन लगी हुई। नहीं कोई नहीं, ऊपर ही जाता है, बाकी इधर तो कुछ भी नहीं। और ये इधर ये क्या रूम वगैरह रहने के लिए? रहने के लिए इनका क्या प्राइस होता है? 5,000। 5,000 रुपये एक रूम का, पूरी हट का। अच्छा पूरे हट का जी, फैमिली रह सकते। तो भाई हम चल पड़े हैं घोड़े में, ये देखो घोड़े रेडी हो गए, घोड़े में जाएंगे अब। और ये भाई साहब घोड़े वाले, तो देखते हैं घुड़सवारी। कुकू ने तो की है, मैंने नहीं की है। मेरे तो डर लगा, मैं तो बता दो भाई। ना ना आराम से चलेंगे, ये थोड़ी ना दौड़ाएंगे। नाम क्या है भाई इसका घोड़े का? घोड़े का हीरा। हीरा प्यारा नाम रखा है, हीरा। वाइट कलर का है घोड़ा भी, पूरा कश्मीर है सामने। ओ भाई ये देखो भाई कश्मीर के एप्पल गार्डन, अरे बड़ा सुंदर ये तो, ये पत्ती वाला चार चिनार। अरे वाह एप्पल का बाग है, ये तो बताइए सर्दियों का मौसम कैसा है। ये तो पूरा बढ़िया बनाया हुआ है ना। हां यार आज क्या जब फल लगता तो फिर हां तब तो ग्रीन हो जाता है ना। हां अब तो बहुत सुंदर देख के अंदर जाते हैं। अच्छा अब भी अच्छा है, काफी बढ़िया घास वगैरह लगी। और ऊपर को क्या पहाड़ी पड़ेगी,
यहाँ से ऊपर वो पहाड़ी पड़ेगी बाबू, पहाड़ियाँ कभी खत्म होंगी। हाँ ये देखो ऊपर कितनी प्लेन है। नाम क्या है उसका? है कुछ शिवगढ़। अच्छा अच्छा बहुत सुंदर है, पीछे भी दिख रही है, मजा आ रहा है। हाँ तो वही घुड़सवारी का मजा आ रहा है। हाँ। और भाई थोड़ा बहुत बता भी रहे हैं, जानकारी भी मिल रही है इनसे। ये रास्ता चल रहा है ना? हाँ जी। इधर कश्मीर, इधर उधमपुर जम्मू। अच्छा ये नीचे का ना बॉर्डर आ गया। अच्छा हाँ तो ये बता रहे हैं ये जो घूम के जम्मू में भी आ गए। हाँ ये जैसे ही है, घोड़ा बहुत ही समझदार है, प्यार से चल रहा है। और ये सामने से देखो छोटा सा बेबी घोड़े में बैठा हुआ है। ये एप्पल का बाग और बीच में बहुत बढ़िया घास लगा के बढ़िया ग्राउंड बनाया हुआ है। तो भाई मजा आ गया घोड़े में बैठ के। हाँ। क्योंकि इनके घोड़े जो है ना काफी बढ़िया हट्टे कट्टे और चलाते हाँ, भी प्यार चलाते से भी प्यार से आराम ऐसा से बिल्कुल नहीं है, जैसे हाँ। उत्तराखंड की तरह एकदम जब शुरू में चला तो मेरे को लगा यार कि ऐसे डर सा लगा और ऐसा भी लगा क्यों बैठ गए, उसकी सांस आ रही थी ना घोड़े की। फिर इसने बड़े प्यार से आराम आराम से, तो वही है देख देख के ही होती है चीज़ें। बाकी ये जो बैठते हैं ना तो ये तो घोड़े को ऐसे भगाते हैं ना, सुबह फुल स्पीड में भगा रहे थे जैसे राजा महाराजा चलते हैं वैसे। तो चलो भाई बढ़िया हो गया। तब हम जा रहे हैं दूसरे पार्क में। तो अब हम निकल चुके हैं पहले पार्क को घूम के दूसरे पार्क की तरफ। हाँ देखते हैं अब दूसरा पार्क कैसा। एक वीआईपी पार्क बताया और लेफ्ट एक वाले रोड पे और चिल्ड्रन। हाँ यहाँ से जो राइट साइड को रोड जा रहा है उस पे चिल्ड्रन पार्क है, तो हम लेफ्ट वाले पे जा रहे हैं। लेफ्ट वाले से आए थे कल भी यार, पर हम अंधेरे में आए थे और लेफ्ट वाला हमें बड़ा सही लगा था रास्ता भी। तो चलो देखते हैं मिलेंगे दोनों एक ही जगह जाके मेन रोड में उधर। यहाँ तो पूरे रोड में समझ लो पार्क ही है, ये पूरा जंगली पार्क है। हाँ। और रात को यहाँ कर सकते थे हम कैंप, सही बोल रहे थे भाई, खुली जगह है ना काफी। हाँ। तो कार कैंपिंग कर सकते हैं, मतलब सड़क के साथ ही होनी थी तो उतना हाँ। मजा नहीं आना था जितना हमने वहाँ पे लिया। सही बात। चलो हम थोड़ा सा रुकते हैं इधर, वहाँ देखो नीचे पिकनिक हो रही है ना। हाँ जगह बड़ी सुंदर यार, बहुत सुंदर है वहाँ पर भी, बहुत बढ़िया प्लेस है देख कैंपिंग के लिए। तो यहाँ ये चीज मेरे को अच्छी लगी कि कैंपिंग करो, खाओ पियो, एंजॉय करो और तो। कचरा भी उतना ज्यादा तो नहीं है देखो उस जंगल में, इतना नहीं है। हाँ, वहाँ जहाँ पे हम रुके थे यहाँ भी है लेकिन उतना नहीं है, मतलब ठीक ठाक है जगह, मतलब अच्छी है। हाँ। वैसे इतनी गंदी भी नहीं लगेगी और जंगल के अंदर जहाँ मर्जी घूमो, और गंदी करनी भी नहीं चाहिए ऐसी जगह है क्योंकि इतनी साफ सुथरी है ये देखिए, बहुत सुंदर जगह है। तो भाई हमारी गाड़ियाँ लग गई फिर से नीचे, देखो मैंने बोला ही था आपको एक दो मोड़ में रुक जाएंगे तो रुक गए, वो देखो खड़ी हैं गाड़ियाँ और कितनी सुंदर पार्किंग में खड़ी है हमारी गाड़ी। इतनी मस्त पार्किंग पहली बार मिली होगी ऐसी वादियों में। और यहाँ पर जो है कुछ लोग हमारी तरह कार कैंपिंग वाला सिस्टम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सामान अपना ऊपर उठा के लाए हैं। एक इस मोड़ पर, एक पिछले मोड़ पर था एक ग्रुप, वो तो फुल अपना इन्जॉय कर रहे थे, खा पी रहे थे और पत्ते खेल रहे थे बढ़िया। और इधर भी देखो ये बैठा है ग्रुप एक, दो लेडीज आराम से आराम फरमा रहे। हाँ सब आराम में इंजॉय करते हुए, और हम भी देख रहे हैं कि क्या क्या है इधर। और लंच खाने लायक तो हम बचे नहीं आज, परांठे कुक्कू ने ऐसे खतरनाक बनाए थे कि अब भूख ही खत्म हो गई है। तो देखते हैं, अरे वाह फोटोग्राफी पॉइंट, ये चलते अब नीचे की तरफ। हम जो है यहाँ पर काफ़ी देर बैठे, इंजॉय क्या किया यूट्यूब के कमेंट के रिप्लाई किए, कुछ फ़ोटो वगैरह लिए, और यही होता है थोड़ा सा टाइम मिल जाए रिलैक्स करने को। और थोड़ा सा ये जो हमारा सोशल मीडिया है ना, इसकी वजह से ऐसा लगता है कि यार कट गए हैं दुनिया से जब इसको नहीं चलाते हैं, तो ये अच्छी बात है। बस थोड़ा सा चलाया इधर, 20 मिनट बैठे होंगे, बाकी अब चल पड़े फिर नीचे को। चलो गाड़ी खड़ी है उधर ही शानदार पार्किंग में। ये क्या है? ये आपके लिए छपरा बनाया है मैंने नहीं, और बनाया है आपके लिए। ये इधर फुल एंजॉय चला हुआ इनका भी, नीचे देखो ये देखो, ये हमारी तरह है परिंदे। वाह किधर से आए हम? हिमाचल से आए। चलो जी बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर मजा आ रहा है घूमने का, बिल्कुल आराम आराम से एकदम शांतिपूर्वक। हाँ
आज तो हमारी गाड़ी मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर भी नहीं चली अभी तक। ये देखो जी, ये है खूबसूरती कश्मीर की रोड के साथ साथ, मतलब ये पेड़ तो है ही है, सबसे बड़ी खूबसूरती यही है यहाँ पर पेड़, और पेड़ों के बीच बीच में कहीं कहीं पर बड़े बड़े से ग्राउंड मेडोज, ग्रीन ग्रीन ग्रास की, बहुत ही सुंदर। और वो पर्ची वाले भैया के पास पहुँचने वाले हैं, पर्ची है ना, हाँ है, 40 रुपये की शायद पर्ची कटी थी यहाँ पर। यहाँ पर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, शांत लगा, कोई मारामारी नहीं, कोई मतलब कुछ भी ऐसा हबड़ा धबड़ी नहीं है। और कैंपिंग करो, खाओ पियो, इंजॉय करो, पिकनिक करो, कुकिंग करो, बल्कि अपने हिमाचल में रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है, यहाँ पर कैंप नहीं कर सकते, यहाँ पर खाना क्यों बना रहे हो, यहाँ पर क्यों रुके हो, पार्किंग क्यों कर दी है इधर, ऐसा वैसा कुछ। होटल बहुत सुंदर सुंदर है यार, लेकिन प्राइजेस थोड़े हाई हैं यहाँ पर, और अभी तो ऑफ सीज़न है, शायद सीज़न में तो और ज़्यादा प्राइजेस होते होंगे। ये देखो, वाह, नज़ारे ही नज़ारे, बहुत ही बढ़िया एरिया है ये, मस्त एरिया है पूरा। इसको अगर पैदल भी घूमोगे तो मज़ा आ जाएगा, पूरे दिन में अगर इधर ही पूरा दिन स्पेंड करना तो भी बहुत बढ़िया है। पत्नी टॉप में इधर से उधर टहलते रहो, खाओ पियो, थोड़ी देर लेट जाओ ग्राउंड में, बंजी जंपिंग करो, घुड़सवारी करो। घुड़सवारी भी यहाँ पर ज़्यादा प्लेन प्लेन एरिया में होती है, तो घोड़ों को भी कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है, बढ़िया है सब कुछ। ज़िपलाइन भी है। वो जो बैलून में जाते हैं ना, उसको, उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। दे पर्ची दे भाई को, मंगाते तो देंगे पर्ची। ठीक है, अब शायद हमें यहाँ से सामने को जाना होगा, यहाँ से नथा टॉप के लिए जो है ना, एक सीधा जा रहा है रोड, एक नीचे को जा रहा है, एक जो है लेफ्ट साइड को जा रहा है, सामने साइड जाएंगे हम। यही है, तो यही है रोड, हमने पुलिस सर से पूछ लिया और चलते हैं अब आगे नथा टॉप की तरफ। ये नई डेस्टिनेशन, और वो भी मेरे ख्याल से शायद 20 किलोमीटर में ही आ जाएगा, तो कितना अच्छा होता है ना, कम ड्राइविंग और ज्यादा घूमने का वो। हाँ। मजा आ रहा है आज, ज्यादा ड्राइव, अभी 2-3 किलोमीटर की गाड़ी चली है हमारी सुबह से, और टाइम 2 बजने वाले हैं, तो चलो भाई। यहाँ पर पर्ची कट गई हमारी 80-80 रुपये की, और यहाँ पर अब निकलते हैं नथा टॉप की तरफ। ठीक है जी, तो ये एंट्री फीस लगती है, वहाँ पर 40 रुपये लगी थी और यहाँ पर 80 रुपये है। इससे आगे जाएंगे तो पता नहीं और दुगना होगा। नहीं, इससे आगे कहाँ जाना, सनासर लेक, वहाँ पर पता नहीं, हाँ देखते हैं, पर वही रोड है ये, यार। बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर व्यू है। तो जी, अभी हम जा रहे हैं नथा टॉप की तरफ, और अभी हम रुक गए हैं रास्ते में क्योंकि हमें दिख गया है बहुत सुंदर सा व्यू, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी जालें लगी हुई है ताकि जो अंदर जानवर वगैरह होंगे वो सड़क की तरफ ना आए, तो ये देखिए बहुत प्यारा है, लगता है आगे अब हमें सुंदर सुंदर व्यू देखने को मिलेंगे। तो चलिए नथा टॉप में जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में घुमाते हैं, तो इस वीडियो को कर देते हैं हम यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करें। तो बाकी गाड़ियां चली हुई है, हाउस शोर हो रहा है पूरा। हाँ। तो अब जो है नई जर्नी तो क्या, यहाँ से थोड़ा ही हमने जाना है नथा टॉप के लिए, तो वहाँ पर जो है जल्दी जा रहे हैं हम 2 बजे अभी तक, और ये वहाँ पर जाकर के अपना कुकिंग सेटअप तैयार करेंगे क्योंकि हवा और ये ज़्यादा है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत बढ़िया से आज जो है हम लोग कुकिंग वगैरह करने वाले हैं और कैंप साइट भी दिखाएंगे आपको नथा टॉप में। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, टाटा।